असद कैसर कौमी असेंबली के स्पीकर और कासिम सूरी डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब। जमहूरी अमल में किसी किस्म की रुकावट नहीं बनेंगे सैयद खुर्शीद शाह। अफगान सूबे गजनी में तालिबान और हुकूमती फौज के माबेन लड़ाई, सैकड़ों अफराद हलाक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीवीजन न्यूज और प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं शफ़ीक हिराओ। मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह द सीनियर जर्नलिस्ट फरोख प्रताप। अस्सलाम वालेकुम फरोख, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, मैं ठीक हूं, अपना सुनाइए। मैं ठीक हूं। नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने देखी, आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो कि डिस्कस होंगे आज के शो में। आप भी हमारे शो में शिरकत कर सकते हैं थ्रू लाइव कॉल। टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, मैं भी रिपीट कर रही हूँ। टेलीफोन नंबर है 0519212643, दूसरा नंबर है 0519212644। जो भी आपका सवाल या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आज के हमारे तीनों टॉपिक्स से रिलेटेड, आप लाइव कॉल करके हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं कौमी असेंबली के हवाले से, जहां आज कौमी असेंबली के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है स्पीकर कौमी असेंबली का और उनका नाम है असद कैसर साहब, वो मुंतखब हुए हैं एज स्पीकर ऑफ कौमी असेंबली। और डेप्यूटी स्पीकर के लिए भी तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है कासिम सूरी साहब का, वो मुंतखब हुए हैं। बात की जाए पहले स्पीकर कौमी असेंबली के हवाले से, तो तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं जो स्पीकर हैं उनको जो वोट मिले हैं उनकी तादाद थी 176, और खुर्शीद शाह साहब जो कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है लेकिन अपोजिशन के कंबाइंड वो कैंडिडेट थे और उनके जो वोट मिले हैं वो 146 वोट मिले हैं। तो असद कैसर साहब 20 वोट लेकर तहरीक इंसाफ के स्पीकर और इनके कौमी स्पीकर जो है वो मुंतखब हो गए हैं। डेप्टी स्पीकर के हवाले से बात की जाए तो यहां पर नंबर गेम्स हमें मुख्तलिफ नजर आती है। वोट जो पड़े हैं उसके मुताबिक 183 वोट्स लिए हैं कासिम सूरी साहब ने, और इसके साथ जो JUIFA के कैंडिडेट थे ये भी अपोजिशन के मुतहदा कैंडिडेट थे, फजल रहमान साहब के बेटे हैं असद महमूद साहब, उन्होंने 144 वोट लिए हैं। तो यहां हमें फर्क नजर आया है। जो स्पीकर कौमी असेंबली के वोट के वाले से थे वहां पर 8 वोट मुस्तरद हुए थे जिसमें से 4 वोट वो थे जिस पर डबल मोहर लगी गई थी, इसके अलावा 2 वोट ऐसे थे जिससे कोई मोहर ही नहीं थी और 1 वोट जो था वो भी इसी वजह से मुस्तरद हो गया था। रिकाउंटिंग भी हुई थी, रिकाउंटिंग कहा गया था शाजिया मरी साहब ने साहिबा ने कि एक बार रिकाउंटिंग होनी चाहिए, और रिकाउंटिंग के बाद भी असद कैसर साहब भी विनर करार पाए थे। एयाज सादिक साहब ने असद कैसर साहब से हलफ लिया, जबकि असद कैसर साहब ने जो है डेप्यूटी स्पीकर से कासिम सूरी साहब से हलफ लिया। तो ये आपकी कार्रवाई थी, और जब कार्रवाई इख्तिताम पजीर हुई तो हमने देखा कि किस तरह से PMLN ने आज जो है वो जरा शोर भी मचाया और जरा बातें भी की, लेकिन पीपल्स पार्टी जो थी वो हमें खामोश बैठी हुई नजर आई। चेहरे उनके भी बता रहे थे कि दे आर नॉट हैप्पी, बिकॉज कहा यही जा रहा था कि खुर्शीद शाह साहब जो है वो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के लिए भी जो इनका कंबाइंड कैंडिडेट है वो इलेक्ट हो पाएंगे, सेलेक्ट हो पाएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाए, तो वो भी हमें गमगीन नजर आए। लेकिन जिस तरह से आज पाकिस्तान मुस्लिम नवाज हमें नजर आई तो वो ऐसे लगा जैसे बिल्कुल ही, क्योंकि शोर भी मचा रही थी और सारा कुछ, तो लगा कि क्या 5 साल अगले भी ऐसे गुजरेंगे। लेकिन अपोजिशन में हमें इख्तलाफ जरूर नजर आया है, क्योंकि जहां पे PMLN आपको एहतजाज करती हुई नजर आ रही थी वहीं पे पीपल्स पार्टी आपको खामोश नजर आ रही थी। पहले बात कर लेते हैं असद कैसर साहब के हवाले से, अब कैंडिडेट थे बड़े अरसे बाद उनका नाम जो है वो किया गया। पहले बात करी थी प्राइम मिनिस्टर के नामों के हवाले से, वजीर आला के नामों के हवाले से, गवर्नर के नाम भी डिस्कस हो रहे थे, लेकिन स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर का नाम बड़ा लेट आया। और जब लेट आया तो हमें लगा कि शायद मे बी ये चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ही चले बना लें, कि पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और पीपल्स पार्टी बहुत शोर थी, जिस तरह से जरदारी साहब भी बात करते हैं और वो किंग मेकर अपने आप को समझते हैं, वो कहते हैं कि मैं जो कर सकता हूं, तो वो हमें बड़े शोर नजर आए। लेकिन जब नतीजा आया तो वो तो वही था जो एक्सपेक्टेड था, जिनकी ज्यादा वोट थे वो पड़ गए। जी बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, पता नहीं आप शायद कोई मुआवजा एक्सपेक्ट कर रही थी, मेरे ख्याल में ये क्लियर था।
जब असद कैसर साहब का नाम आया तो उस वक्त हमें पता चल चुका था, आप उस दिन शायद नहीं थी, लेकिन हमने इस पे शेर हासिल डिबेट की थी कि उनका नाम जो है इट प्रूव्स के पीटीआई जो है वो किसी कंप्रोमाइज मोड में नहीं जा रही, वो अपने कैंडिडेट को लेकर आएगी। लेकिन इससे पहले मैं तीन कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहूंगा, चार एक्चुअली। पहला तो आप ही को दे दूं, आपने इंट्रोडक्शन में सारी बातें कवर कर दी, उसके बाद मैं सोच रहा हूं क्या करूंगा। लेकिन दूसरी बात जो है अयाज सादिक साहब को, जिन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा कंडक्ट किया और मेरे ख्याल में वो एक अच्छे स्पीकर थे, उनका आपने आज देखा, उनकी स्पीच भी सुनी, वो बहुत उम्दा थी, ठीक है। दूसरा खुर्शीद शाह साहब ने अपने आप को बहुत अच्छा उम्दा कंडक्ट किया और उनकी स्पीच भी बहुत अच्छी थी, जमहूरियत के बारे में हम आगे जाके उसको डिस्कस भी करेंगे। और तीसरा मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था कि जिस तरह से असद कैसर साहब ने अपने आप को कंडक्ट किया, इट वॉज वेरी पोलाइट, ही गेव एवरीबडी स्पेस टू स्पीक, और मेरे ख्याल में ये बहुत इम्प्रेसिव था। और एक बात और है, आज के दिन ये भी खूबसूरती थी कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों छोटे सूबों से है, एक खैबर पख्तूनख्वा से है, दूसरे बलोचिस्तान से है, और दोनों 1996 से नजरियाती तौर पे अपनी पार्टी के साथ वाबस्ता हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो इलेक्टेबल्स की बात कर रहे थे हम कि यहाँ से हवाई जहाज में आ गए या वहां से पैराशूट में आ गए, उनमें से कोई नहीं, ये दोनों साहिबान वो हैं जो कि अपनी पार्टी के साथ बहुत लॉयल। अच्छी बात ये लगी, इलेक्टेबल्स को नंबर गेम पूरी करने के लिए जरूर साथ रखा गया है, लेकिन वो जिस तरह से कहा जा रहा था, समझ आ रहा था कि पता नहीं उस नंबर गेम के लिए क्या कुछ उनको दे दिया जाएगा, तो वो हमें अभी तक तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। हर जगह आपको वही लोग नजर आ रहे हैं जिनका ताल्लुक तहरीके इंसाफ से ही है, तहरीके इंसाफ के टिकट से ही। वो इलेक्टेबल्स इतने जीते भी नहीं ना, हाँ, जिस तरह हुआ वोट आया उसके अंदर अवाम ने एक बाकायदा मैसेज दिया, उन्होंने नजरियाती कारकुन को फिर भी वोट दे दिया, उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को दे दिया जो कुछ अरसा पहले आए थे, लेकिन उन्होंने इलेक्टेबल्स को और उन इंडिपेंडेंट्स को जिनके बारे में ये इल्जाम था कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ यूज होंगे, उनका नहीं जीता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए, स्पीकर कौमी असेंबली के लिए तो हम देखते हैं मुकाबला बड़ा सख्त भी रहा है, सिर्फ 20 वोट का ही फर्क रहा है, 176 तहरीक इंसाफ के थे, 146 पीपल्स पार्टी के थे। डिप्टी स्पीकर में क्या हुआ? मुझे तो लग रहा था कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, तो एक दो वोट्स का ही पड़ सकता है, लेकिन हम देखते हैं 183 एंड 144। देखें 183 को आप कंपेयर 144 से ना करें, 183 को 176 से करें, ठीक है, और 146 को 144 से आप कंपेयर करें, दो कम हुए अपोजिशन के। बिल्कुल, लेकिन आप भूल रही हैं कि पहले उसमें इलेक्शन में यानी कि स्पीकर के 8 वोट आपने खुद गिनवाए जो कि रिजेक्ट हो गए, ठीक है। अगर वो ठप्पे इस दफा सही लग गए तो उसका मतलब ये है, तो ये कैसे, कैसे फरुख के, यही मेरा सवाल है जिसके बीच में से निकालना था कि ये क्या हुआ। मतलब पार्लियामेंटेरियंस हैं सारे, वोट देने का तरीका भी आता है, पता भी है चीजों का, इस तरह की चीजें होती भी नहीं है, लेकिन एक पे ही डबल ठप्पा भी लग गया, 4 वोट ऐसे थे जिसमें डबल जी में जाती, डबल ठप्पे लग गए, एक में किसी ने ठप्पा ही नहीं लगाया। मतलब बैंक जाती है ना, बिल्कुल जाती है, बैंक जाती है फॉर्म फिल करते हुए, कभी नहीं हुआ कि हल्ला थाने में आपने लिख दिया, जल्दबाजी में हो जाता है, मेरा हुआ है। अच्छा मेरा, हालांकि अच्छा जल्दबाजी किस बात की थी, पर क्या जल्दी थी आपके? और फिर ऊपर से आप उस टाइम ये भी कह रहे थे कि जी जिनके वोट मुस्तरद हुए हैं लेकिन समझ आई दोबारा से कर लेते हैं, वो दोबारा से वोट डालेंगे, कुछ समझ नहीं आई। ये जो 2 वोट कम होने की है ना बात, 146 से 144, वो तो मुझे समझ आती है कि मौलाना साहब और उनका टब्बर जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब और ये उनके बरखुदार हैं, तो उनके कोई हालात अच्छे नहीं चल रहे, ठीक है। कल के दिन पूरी कौम ने उनको जवाब दिए, उन्होंने जद्दोजहद आजादी करनी थी, उन्होंने प्रोटेस्ट करना था, पाकिस्तानी अवाम जॉग बार निकली, लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं की, उन्होंने सेलिब्रेट किया, और पाकिस्तान का मुझे याद नहीं आता कि इतनी गर्म जोशी के साथ कोई और माजी में हमने 14 अगस्त देखी हो, ठीक है ना? बहुत बहुत गर्व। तो उसका जो है वो 2 वोट को अगर खा गया वो जज्बा, तो मेरे ख्याल में उसका कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बाहर कैफ एक बात हो गई। सवाल ये नहीं है कि फर्क क्यों था, सवाल ये नहीं है
कि इतना 19-20 का, 19-20 ना सही 17 और 20 का या 23 का फर्क होगा। ये फर्क नहीं पड़ा ना कि 176 आपके स्पीकर के हैं, जो 8 वोट रिजेक्ट हुए हैं उसमें 4 पीटीआई के हैं और 4 ही अपोजिशन के थे, तो 176 में आप 4 ऐड भी कर लें तो ये 180 बनता है, 183 बन गया, 3 वोट वेरिकेंस आपके बढ़े, तो ये भी बात है ना, दो उनके कम हुए तो इनके बढ़े। मैंने आपको दो कम होने की भी बात बताई है, इसकी वजह से इसमें भी दो मुस्तरद हुए वोट। अच्छा हो गए होंगे लेकिन वो किसी और के हुए होंगे। बाहर कैद जो है ना, आपको एक और बात बताओ और वो ये इम्पोर्टेंट है कि इस वक्त तो नंबर जो है पीएमएलएन ने पीपल्स पार्टी का साथ दिया है और मौलाना फजल रहमान साहब का साथ दिया है उनके बेटे को अपने पूरे वोट डाल के, क्या जब वजीर आजम के लिए कैंडिडेचर होगा पीपल्स पार्टी इस तरह सपोर्ट करेगी? अगर पीपल्स पार्टी नहीं करती तो दैट विल बी, दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या हो सकता है। बिलावल साहब कहते हैं आज के, पहले ये तमाम चीजें डिस्कस हो चुकी थी, हमें तो यही लग रहा था, बताया जा रहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होगा वो नून लीग से होगा, शहबाज साहब का नाम हर जगह नजर भी आ रहा था, स्पीकर के लिए जो अपोजिशन का कंबाइंड कैंडिडेट था वो खुशी शाह साहब थे और डेप्यूटी स्पीकर के लिए भी हम सबको पता है। अब क्या हुआ कि जब बिलावल साहब की जब वोटिंग हो रही थी या वोटिंग के बाद या वोटिंग से पहले वो कहते हैं कि शहबाज साहब के नाम पे वी आर नॉट अग्री, हम तो कहते हैं कि बात दोबारा की जाएगी, कोई और नाम आएगा तो हम देखेंगे। अच्छा। ये क्या हो गया अचानक से कि पहले क्योंकि हर जगह शहबाज साहब का ही नाम था, पीपल्स पार्टी का एक मसला हुआ। अभी एक और भी काम हुआ है ना, एक बंदा अरेस्ट हुआ आज के दिन, ठीक है। हाँ। तो पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत के साथ जो है अच्छे ताल्लुकात रखना चाहती है। आपने देखे हमारे अफगानिस्तान से जो भाई आते हैं कोई चीजों को सेल कर रहे होते हैं, आपने उनसे नेगोशिएट किया कभी कार्पेट वगैरह के बारे में? हाँ, कार्पेट का 22,000 1,000 200 रुपए करते करते जो है ना, ये करता है पीपल्स पार्टी इस वक्त उस तरह से निगोशिएट कर रही है रूलिंग साइड के साथ और इस्तेमाल करेगी वो पीएमएलएन को। पीएमएलएन ने अपने साथ जितना बुरा कर लिया है उसके बाद उनकी मजबूरी है कि उन्होंने अपोजिशन के साथ चलना है, तो ऐसे वक्त में वो इस्तेमाल भी बेचारे होते रहेंगे और वो चलते भी रहेंगे। तो पीपल्स पार्टी अपने आप को लेवरेज करने की कोशिश करेगी लेकिन कामयाब नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वगैरह के अपने मसाइल जो उन्होंने क्रिएट किए वो तो थोड़े देर बाद आए। असल में जो फड्डा था उनका वो जरदारी साहब की हिफाजत था। ना, जरदारी साहब की जो है हिफाजत था कि उनके ऊपर जो केसेस खुल रहे हैं वो कहते थे खोलो, कोई कहता था खोलो वो कहते थे नहीं खोलते, तो इस तरह से चल रहा था। तो जरदारी साहब की वजह से तो पीएमएलएन ने अपने आप को दबाया, फिर वही वाला आ गया ना कि आप पहले शहबाज साहब के नाम पे डिसएग्री हो जाते, आप कहते नहीं जी ये शहबाज साहब का नाम कबूल काबिले कबूल नहीं है, कोई और भी ख्वाजा आसिफ का नाम ले लें, किसी और का नाम ले लें, इतने लोग हैं उन पे कर लेते बात, या पहले आपने गेम खेली आपने बंदा परवर स्पीकर आपका आ जाए उसके बाद? स्पीकर तो नहीं आया लेकिन बंदा परवर आपने अपनी न्यूसेंस वैल्यू भी तो बनानी थी, आपने दिखाना था कि अनमास आपके पास 150 बंदा मौजूद है। हाँ। और हम काफी ज्यादा मुश्किल वो कर सकते हैं क्रिएट। जरदारी साहब जो है शायद पूरे सिस्टम को वो नहीं कर सकते मैनिपुलेट, उन्होंने दिखाया था सेनेट इलेक्शन में भी उन्होंने अपने आप को डाउनग्रेड कर लिया था। अभी जो मैंने कहा ना वो जो अफगान जो निगोशिएशन होती है उसकी एग्जाम्पल देता हूँ, पहले कहते थे कि जी चेयरमैन सेनेट हमारा बनेगा, नहीं बना डिप्टी बना, अपना बना बनाया चेयरमैन सेनेट को हटा के उन्होंने डिप्टी जो इस वक्त निजाम को सबसे बड़ी हाय लगी है वो एतज़ा रबानी साहब की लगी होगी, लेकिन उसके बाद भी सोचा कि मैनिपुलेट कर स्पीकर के मामले में ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, बार बार कहते नंबर गेम हमारे पीपल्स पार्टी कहती है, एंड में नहीं थी गेम, खुशी शाह साहब एंड में गेम नहीं थी असल में, एक गेम में जो है ये हो गया था। वैसे भी याद रखें कि जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है वो ओपन बैलेट होता है, ठीक है ना, उसमें डिवाइड हो जाता है हाउस, लेकिन ये सीक्रेट बैलेट से होता है, तो इसके अंदर लोगों को डर था कि जरदारी साहब कोई गेम कर लेंगे और उनको फायदा हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। जरदारी साहब ने पहले तो ये इम्प्रेशन दिया कि शायद उनके पास नंबर्स हैं कि इनको मिल जाए, लेकिन उसके बाद एक और गेम शुरू हो गई। ऑफ लेट कहा जा रहा है कि जी इनको जो है स्पीकरशिप इन्होंने छोड़ दी, अब इनको सदारत या इनकी पार्टी के किसी बंदे को सदारत मिले, क्योंकि ये बातें अफवाहें गर्म भी हैं कि जो सदर आने वाला है तो कहीं सिंध से इधर से ताल्लुक 22,000 से 200 रुपए की तक आने का मामला ये है कि अब रह गया है कि हमारे पर केसेस बहुत ज्यादा एजिटेट ना किए जाए और दूसरा सिंध गवर्नमेंट को चलने दिया जाए, ठीक है।
ठीक है, नेगोशिएशन कहानी यहाँ तक पहुँच गई। सदर पे नेगोशिएशन हो सकती है, नहीं हो सकती, कॉलर पे शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्ला। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? जहोला खान न्याजी लियावाली से बात कर रहा हूँ। जनाब हुकुम कीजिए। आप काजी साहब, बात यह है कि आप एक पार्टी की वकालत कर रहे हैं जो कि पीटीआई की, और नून मुस्लिम लीग नून के खिलाफ तो आप पूरी कंपेन चला रहे हैं, कोई तो खुदा का खौफ खाने पे। यार मैंने नून की बात भी नहीं की, मैंने लगातार पीपल्स पार्टी की कहानी लगा रखी है। पता क्या, पांच साल पहले पिछले हमने एक और काम किया, पांच साल पिछले हमारे साथ जो कुछ हुआ है, और अभी अगले पांच साल होना है, फिर अगले पांच साल भी यही होना है। मैं कॉल शामिल कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? हमारा सिंह बात कर रहा हूँ, तंगी चरसद। जनाब हुक्म करें जी। बल्लेमान कह रहे हैं कि गांधी हुई है, हमें सजेस्ट करेगी, ये करेगी, वो करेगी, यानी आज तो उसके साहबजादे ने ये स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात भी जमा किए, तो ये क्या मामला है? जो इलेक्ट होकर आए हैं वो असेंबली में बैठेंगे, और जो जो, जो नहीं जीत पाए वो सब एहतजाज करेंगे। शरारत ना करें, शरारत करें। देखिए मेरे ख्याल में मौलाना तो तैयार हो गया थे कि वो खुद भी बाहर रहेंगे, और वो पूरे टब्बर को बाहर रखेंगे, और टब्बर से मुराद पूरी अपोजिशन है, और उसके बाद पीटीआई जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बाकी जगह भी कैप्चर कर लेगी। लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी गई, अभी मैंने पीपल्स पार्टी के चार गिले किए हैं, तो चार अच्छाइयां भी हैं, उनको सलाम करना चाहिए, उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने मौलाना को और उन्होंने पीएमएलएन को, पीएमएलएन शायद पहले से मानी हुई थी, सबको मनाया कि वो वापस पार्लियामेंट में आए और पार्लियामेंट में रहे। ये याद रखिएगा, अपोजिशन कुछ भी करे, इस वक्त आपके मुल्क के अंदर जमहूरियत तभी स्ट्रेंथन होती है जब आपके पास पूरा पार्लियामेंट हो। पार्लियामेंट पूरा होने का मतलब यह है, एक तो पूरे टेरिटोरियली भी हर जगह से रिप्रेजेंटेशन हो, दूसरा टेरिटोरियली के अलावा हर हर मसला, हर फिक्र के लोग भी रिप्रेजेंट हो। और ये पॉलिटिकली बहुत उम्दा है कि अगर अपोजिशन है उसके अंदर भी बांध बांध के कल्चर है। लेकिन ये याद रखिएगा, जिस बारे में मैं कह रहा था कि वो पीएमएलएन को यूज करना, ये बाकी एग्जैक्टली इसी किस्म की जो पॉलिटिक्स थी वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 2002 में की थी, लेकिन वहां थोड़ा सा स्टाइल ज्यादा अच्छा था उसके अंदर, और वो ये था कि एमएमए की न्यूसेंस वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने थोड़ी सी स्पेस गेन की थी। लेकिन एंड में अपोजिशन लीडर जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब बने थे, मोहतरमा नहीं बनी थी उनकी पार्टी। कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से जी? कौन बात कर रहे हो, कहाँ से आवाज आ रही है आपकी? जी मैं लंगूर आरनाई शेयर कर रहा हूँ। बात कीजिए। हुकुम करें मैडम। मेरा ये मतलब जो ये अपोजिशन पार्टी जो इकट्ठे हुए हैं, ये सारे अपने करप्शन छुपाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, अब खुदा का एक ही हो जाए और हुकूमत को चलाने दीजिए। हाँ जी, मेरे ख्याल में हुकूमत को कोई नहीं रोक रहा, नहीं रोक सकते हैं। उसके अंदर हर बंदा जो है वो अपने अपने मामलात को सही करने में लगा, तो मेरे ख्याल में रोकेगा कोई नहीं जी। मैं तो ठीक है, मैं तो इधर अपोजिशन के हवाले से बात कर लेते हैं। एक सवाल का जवाब दे दूं जी प्लीज। अच्छा मुझे नहीं समझ आती, मैं पीपल्स पार्टी के बारे में बात कर रहा था, आपको पता नहीं क्यों सुनाई दे रहा था कि मैं पीएमएलएन के खिलाफ कंपेन चला रहा हूं। भाई आपको पांच साल बताते हुए हो गए कि मैं नॉन पार्टीजान हूं, अब उसके अंदर अगर वो कहते हैं एन एंग्री मैन शट्स हिज ओपन हिज माउथ एंड शट्स हिज ईयर्स, तो ये ना किया करें, अब बातें पूरी सुना करें और बात की तह तक पहुंचे। अगर आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ, फोन लाइन मौजूद है, उसके जरिए से आप कहें कि मैं एक्सप्लेन करूं या डॉक्टर साहब एक्सप्लेन करें, कोई कंपेन नहीं है। जमहूरियत का हुस्न यह है कि आप शिकायत कर रहे हैं तो अब भी ऑन एयर आ रहे हैं, और हमारा भी वो तबसरा चल रहा है और बातें चल रही है। मुतहदा अपोजिशन के वाले से थे, मेरा सवाल ये कि अपोजिशन मुतहद है कि मुतहद नहीं है? मुतहदा अपोजिशन तो बनेंगे, क्योंकि आज भी देखें जो कुछ हुआ, एहतजाज करती रही पीएमएलएन। अब हम पीएमएलएन के वाले से बात करें, एहतजाज करती रही पीएमएलएन, लेकिन पीपल्स पार्टी हमें खामोश नजर आई, मूड खराब नजर आ रहे थे, तो गुस्से में भी नजर आ रहे थे, और थोड़ी थोड़ी कहना चाहिए आपको, मैंने कभी टेंस नहीं देखा लाइफ में, फर्स्ट टाइम मैंने अब जो देखा तो जरदारी साहब को टेंस देखा, पीपल्स पार्टी के तमाम लोग टेंस थे, स्टिफ थे, लेकिन बैठे हुए थे, लेकिन खामोश थे।
पीएमएलएन हमें नजर आएगी, क्योंकि पहले पीएमएलएन पे लोग बहुत तनकीद करते हैं इस हवाले से कि आप कहते हैं कि धांधली शुदा इलेक्शन हैं या आपके लीडर जेल में हैं, तो आप कितने आराम से आते हैं, ना आपने काली पट्टियां बांधी ना कुछ किया, आए आप लोग आज बांधी मैं फर्स्ट डे की बात कर रही हूँ, जिस दिन तमाम एमएनए अलग ले रहे थे, बहुत तनकीद की गई है। प्राइवेट मीडिया की बात की जाए, बाकी जगहों की लोग बहुत बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने तो इवन जब आप देखेंगे इमरान खान साहब स्टेज पे जाते तो सब कहते हैं IIPTI, जब जरदारी साहब के बिलावल साहब जाते तब बुझिए बूटो के नारे, जब शहबाज साहब गए तो शेर आया के नारे लगे, पर एक नारा भी नवाज शरीफ साहब के हक के लिए नहीं लगा, नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं लगा, उनका लीडर जेल में था लेकिन हमें कोई चीज नजर नहीं आई, के लिए लगे शेर आया कि जब शहबाज साहब जाते मैं खाली उनको शेर कह रहा हूँ, लेकिन मसला ये है ना कि उनके ऊपर ही शेर छोड़ दिया गया, अब ये नहीं समझ रहे हैं ठीक है, उनके साथ जो हो रहा है ना वो बिल्कुल पांचवीं के बल्कि पहली के बच्चे वाले, मैं चाहती हूँ कि आप जरा मुझे इसको क्लियर कर दें, क्योंकि फिर क्या हुआ, क्या ये हर जगह से तनकीद थी जो कि पीएमएलएन को मिली, कोई शोर कोई अपोजिशन नजर आई, आज नजर आएगी काली पट्टियां भी पहन के गए हैं, आज जिस तरह से जावेद मुर्तजा साहब ने स्पीच की तो नवाज शरीफ साहब का नाम नजर आया, बाकी जगहों पर कोई बात की गई तो कुछ समझ आई, उस दिन में और आज में फर्क क्या था। आज मेरे ख्याल में ना मुझे जो है ना एग्जाम्पल्स देने का देना है और मैं आपको एक और एग्जाम्पल देने लगा, आपने गाड़ी तो आप चलाती हैं, आपने आज तक कोई ऐसी गाड़ी देखी है जिसके दो स्टेयरिंग हो? नहीं। ठीक है, ये पीएमएलएन इस वक्त दो स्टेयरिंग वाली गाड़ी है, एक स्टेयरिंग रखा हुआ है जेल के अंदर, दूसरा यहाँ पे, और जो बेचारे यहाँ पे है उस बेचारे के साथ ये हो रहा है कि बार बार उस पर इल्जाम लगता है कि यार तुम तो इतने गर्म मिजाज ही नहीं हो, हालांकि वो बेचारा देखिए शहबाज शरीफ बचाएगा आपको तो बचाएगा, वरना आपने तो अपने साथ कर दिए, ठीक है, जेल में बैठे हुए खुद, लेकिन फिर क्यों होती तनकीद का शहबाज साहब को, हर जगह का सामना करना पड़ा, हर बंदा ये कह रहा है कि शहबाज साहब को क्या हो गया है, शहबाज साहब डर गए हैं, मॉडल टाउन वाला कोई सानिया है जिससे वो डरे हुए हैं, कोई कभी आशियाना स्कीम के वाले से, कभी कोई साफ पानी के वाले से, बहुत सी चीजें जो कही जा रही कि शहबाज साहब स्टैंड लेते हुए आगे नजर क्यों नहीं आ रहे हैं, बताऊं जी अंदर जो बैठे हुए उनका ख्याल करके, अच्छा अगर जो है उनकी इंटेग्रिटी उनका फ्यूचर जो है प्यारा है, इस वक्त लिटिगेट करें, उनको लगता है कि जो है ना अगर वो अच्छे बच्चे रहेंगे तो उनको जो है कंसेशन शायद, जरूरी नहीं है कि एक नैरेटिव एक लाइन जो भी लेनी है पर एक लाइन नजर आएगी, जो दो तरफ का है समझ नहीं आती है, नवाज शरीफ साहब मरीम नवाज साहब बिल्कुल एक अलग बात कर रहे हैं, जेल के अंदर वो ही बैठे हैं वो अब समझ नहीं आ रहा है, शहबाज साहब बिल्कुल एक अलग बात कर रहे हैं, आज हमें हमजा नजर आए, हमजा ने आज बहुत बात की, अच्छा की, देखिए मैं एक बात कहूँगा मुझे अब मेरे पर कोई कथन नहीं है, मैं बड़ी खुल के बात करूंगा और मैं बड़ी सिंपल सी बुक करूंगा, मैं पहले कॉलर को लेकिन वालेकुम असलम, कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? सिस्टर मलेंद्र स्टार जिला बहराजी से बात कर रहा हूँ जी, बात कीजिए को मेरा सलाम, वालेकुम असलम जनाब, हुक्म कीजिए, दूसरी बात यह है कि मैं भी पिछले पांच साल जो है ना मैं भी नूली की तारीखें सुन सुन के थक जाता था, आज बड़ी खुशी की बात है कि मेरे भाई जो है नया पाकिस्तान की झलक बता रहे हैं और अच्छी तवीद आ रही है, सही है, और हम नया पाकिस्तान ही देख रहे हैं इंशाल्लाह, अच्छी होप लिए हैं, फरोख खान से भी, बाजी आपसे भी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, अल्लाह आपको खुश रखे, पाकिस्तान के लिए ही सोचते हैं, डेमो के लिए सोचते हैं, इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, नौजवानों के लिए, मैं तो तीन साल में ट्राई में था आपसे बात करने के, मेरी बात नहीं हो सकती थी, तो आज मेरी बात हुई है, काइंडली इस पाकिस्तान को महफूज कीजिए, बाकी आप लोगों की बड़ी अच्छी बात है, आप लोगों ने सरताज गुल साहिबा को जी इलेक्ट करवाया है, उनको बेरा गाजी खान के लोगों का, क्योंकि मिजाज मैं भी और फरूख दोनों जानते क्योंकि हमारा भी सदरन पंजाब से ताल्लुक है, लेकिन आप लोगों की बहुत बड़ी बात है जी, आप लोगों ने जिस तरह से फ्यूडल्स को छोड़कर बताया था साहब, कोई कॉल को शामिल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? नईम बोरा पिंडी से जी, जनाब हुक्म कीजिए, साहब गुजारिश है कि आजकल टीवी पे और इधर मुजाकरों पे पाकिस्तान को कोई नाम नहीं लगता, आम तौर पे कहते हैं इस मुल्क के साथ, इस मुल्क में ऐसा लगता है कि गैर लोग बोल रहे हैं, अपने इसमें अपनाइयत नहीं है, गैरियत है, तो आपके तवज्जो से मैं बताना चाहता हूं कि खुदा चल के पाकिस्तान को पाकिस्तान अपना पाकिस्तान समझो, मेरा पाकिस्तान, मेरी ये मेरे मुल्क की ये बात, मेरे पाकिस्तान की ये बात, ये इस मुल्क की वाली ये बहुत गलत बात है जी, नहीं बहुत बहुत शुक्रिया, एक दरखास्त कर दूं, उर्दू जो वो है ना ग्रामर है वो एग्जिस्ट करती है कि आप डाइवर्सिफाई करके कम्युनिकेट कर सके, मुल्क की मोहब्बत के बारे में ऑनेस्टली, अगर अभी भी किसी को शक है यार मैंने 100 इम्तिहान दिए मुल्क की मोहब्बत में और देता आ रहा हूं पिछले 20-30 साल से, ऑनेस्टली मेरे पास इस मुल्क यानी पाकिस्तान मेरे मुल्क के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है,
जब आप ये बात समझ लेंगे तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि हर जुमला अपनी सतह पे वो रखता है। मिसाल के तौर पे अभी इमरान खान साहब की शेरवानी की बात हो रही थी तो एक साहबा ने कहा कि जी ग्रीन पहने, और मैं एक परेशान हो गया कि यार ग्रीन लाजमी नहीं है कि हर चीज में ग्रीन नजर आए, उसकी वजह कि हमारे दिल के अंदर जो है पाकिस्तान धड़क रहा है। कायद आजम का मैंने उन साहबा से पूछा, उन्होंने जब बात की थी कि कायद आजम ने कभी ग्रीन शेरवानी पहनी थी? नहीं, उन्होंने काली शेरवानी पहनी थी। हम सिर्फ हर चीज को ना दो कलर्स में नहीं डिवाइड करेंगे, हर जुमला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान से मोहब्बत खत्म होगी। कल हमने साबित किया है, इंशाल्लाह और करेंगे और इतनी मोहब्बत आपको दिखाएंगे कि आपको यकीन आ जाएगा कि अब पाकिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ सोचने वाला भी कोई बंदा मौजूद नहीं है। ये कह दिया, इससे पिछले वाले कॉलर साहब जो थे, और इसमें मैं खासतौर पर डॉक्टर साहबा से दो मिनट चाहूंगा, उसकी वजह यह है भाई कि हम देखें हर कोई जितने भी चैनल्स है ना, आप प्राइवेट में देख लें, ये तो पब्लिक चैनल है, प्राइवेट के अंदर भी एक पॉलिसी होती है चैनल की, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। उसके अंदर वी हैव बीन वेरी लकी कि हमें बहुत ज्यादा कोई इंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता था, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक कल्चर होता है। अब क्या करते हैं, हर बंदा अपने अपने पोजिशन को भी साथ लेके चलता है, लेकिन जहरी बात है हुकूमत वक्त जो है उसके साथ एक रिकनसीलिएटरी भी स्टेटमेंट होती है, खासतौर पे जब मुल्क के अंदर 50 चैनल है सारे के सारे हुकूमत के खिलाफ लगे हुए हैं, तो एक चैनल अगर कोई हो जाता है तो बुरी बात नहीं होती। लेकिन हमने जो खुद अपने वैल्यू सिस्टम को भी प्रोजेक्ट किया, पहला दिन था दहशतगर्दी के बारे में कहता हुआ मैं इस चैनल पे आया था, और लगातार मैं याद दिलाता रहा कि जो दहशतगर्दों के हाथों मारे जाते हैं, वो शहीद होते हैं, वो हमारे हीरोज हैं। हमारे साहबी लोग उस वक्त उनको शहीद नहीं कह सकते थे, आपके हादिम ने कहे, आज पूरे पाकिस्तान में हर चैनल कह रहा है, ठीक है। इसी तरह से जो ये है सेंसस, क्या कहते हैं सेंसस को, मर्दमशुमारी, कोई डॉक्टर साहब आपको याद है कि कोई और एंकर जो है वो डेली बात करता हो कि जी मर्दमशुमारी होनी चाहिए लोकल बॉडीज के बारे में, कोई इसी तरह से बहुत सारी और चीजें डैम्स के हवाले से, और अभी रिसेंटली भी जो इलेक्शन के बारे में सारे कह रहे थे कि इलेक्शन नहीं होंगे, हम कहते थे इलेक्शन इंशाल्लाह अपने टाइम पे होंगे, इसलिए कहती हूँ आप लोग प्रोग्राम सुना करें जब आपकी पॉलिसी से, लेकिन खैर अब आप फरूख ने कहा कि एक चैनल था दूसरी तरफ 50 चैनल थे, अब तो अच्छी बात है सारे सारे पीटीवी बन गए अभी तक के लिए। नहीं नहीं, यही ना करो मेरे ख्याल में, अगर थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू सिविलाइजेशन, हमारी तरह ही हो जाए मेरे ख्याल में बहुत सिविलाइज, अलग अलग टाइम भी रहे ना, ये भी शहबाज साहब के हवाले से सवाल था, वो मैं दोबारा थोड़ा थोड़ा उसमें एडिशन कर रही हूँ। शहबाज साहब, वो आप कह रहे हैं कि उनका वो जो कुछ बची हुई है पीएमएलएन, वो शहबाज साहब की नैरेटिव की वजह से जो आगे जाएगी भी तो उनकी वजह से जाएगी, पीपल्स पार्टी क्यों इख्तलाफ कर रही है उनके नाम के ऊपर, क्यों शहबाज साहब को कहना पड़ रहा है कि जो वादा किया था उसको वफा कर दे? आपने कहा था पीएमएलएन के कैंडिडेट को वोट देंगे, प्राइम मिनिस्टर का मैं हूं, कोई भी हो अब आपको वोट देना चाहिए, जैसे हमने अपना वादा निभाया। फिर एक और मिसाल देना, आप और मैं एंकर, आप एंकर हैं, मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन हम एक प्रोग्राम में बैठे, हम इकट्ठे बैठे और हमारी केमिस्ट्री अच्छी है, प्रोग्राम चले जाए, ठीक है, अगर हमारे दरमियान लड़ाई रोजाना शुरू हो जाए, ठीक है, तो कोई ना कोई हमें से कोई चीज को हटा देगा, खराब कर देगा। इसी तरह से जब पार्टी की अपनी विकेट महफूज नहीं होती है तो फिर दूसरी पार्टियां उससे बेनिफिट उठाती है। आपने अभी कहा पार्टी के अंदर, पीएमएलएन के अंदर इत्तेफाक नहीं है, ठीक है, अभी जो आपने कहा ना, मैंने कहा कि अब आजादी है तो एक बात मैं करके खुल के करूंगा, शहबाज शरीफ साहब जब वो सीएम बने थे पहली दफा, मैंने भी कहा था कि यार ये तो भाई हैं, ये क्यों बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन लेकिन एक बात कहूं, ही हैज अर्नड हिज स्टे इन पावर, उन्होंने काम किया। अच्छा, शहबाज, ये हमजा शहबाज जो है वो बाहर था, पूरी फैमिली चली गई, हमजा बोल तो ओनली पर्सन वॉज है, और ही फेस द सिस्टम, वर्क विद इट। मरियम साहिबा जब कहती हैं कि उनको लीडर माना जाए, उनको अर्न करना पड़ेगा, आज वो जेल में बैठी होंगी, लेकिन ये याद रखने की जरूरत है, लगातार कहा जा रहा था कि भाई मुल्क के अंदर इतना गुस्सा मत फैलाओ, चीजें जो है एक्सप्लोड कर जाएंगी, दे एक्सप्लोडेड, ठीक है। अब आप कहते हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब लीडर बन गए
तो फिर हमजा बनेंगे और उसके बाद मरियम साहिबा का फ्यूचर नहीं होगा, वो तो जो है फैमिली चेंज हो जाएगी। तो इस तरह नहीं चलता है। ठीक है, जब आप ये करेंगे पीपल्स पार्टी आपकी वीकनेस पे प्रे करेगी। बिल्कुल करेगी। और आप मुझे बता दीजिए अब इस वीकनेस को क्या करना है, मुझे कॉलर को भी शामिल करना है। अगर शहबाज साहब अपना नाम जो है अगर विदड्रॉ कर लेते हैं और कोई और नाम करते हैं तो फिर पीएमएलएन का क्या स्टेक रह जाएगा या वो क्या बात रह जाएगी उनकी? और अगर वो नहीं करते हैं और अपना ही नाम देते हैं, पीपल्स पार्टी उनको वोट नहीं देती है, तो फिर ये जो मुत्तहिदा अपोजिशन है, क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर तो बनना ही नहीं है, कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इसका भी शहबाज साहब अपना नाम ही विदड्रॉ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात करो, कहाँ से? मैं दिन अहमद क्वेटा से बात कर रहा हूँ जी, बात कीजिए। मेरा फरहान खान साहब के सामने एक अर्ज है कि मेरा ये पैगाम इमरान खान साहब तक पहुँचाए जी, तो आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि पीपल्स की हुकूमत, नवाज की हुकूमत ने दोनों अदवार में कभी किसी को ये नहीं देगा कि इसने गरीब से शुरुआत की, जो कि है अमीर वडेरा मीर उन लोगों की तरफ से शुरुआत है, गरीब तक कुछ पहुंचता ही नहीं है। बिल्कुल सही। तो मेरा ये अर्ज है कि इमरान खान साहब को ये मेरा ये प्रोग्राम पहुंचाए कि आप बराए मेहरबानी गरीबों को, यतीमी को, बेवा जो इलाके पसमानदा रह गए हैं, बराए मेहरबानी आप उन इलाकों पर गौर करें, चाहे जैसा हमारे पंजाब में है, पंजाब बलोचिस्तान ऐसे ऐसे इलाके हैं कि वो 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर से पीने का पानी ले आते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। अक्सर मिंगल साहब और सूरी साहब दोनों की आज जो तकरीर थी ना, वो इसलिए मैं उसकी पजीराई भी कर रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ, बिकॉज बलूचिस्तान की अवाम के मसाइल की अक्कासी उन्होंने बड़ी खूबसूरती से की है। अल्लाह करे आने वाले दिनों में देखें, कल कोई नहीं, हमने नहीं देखा हुआ, अल्लाह को पता है गैब का इल्म है, लेकिन एक बात है कि कम अज कम ये पार्टी भी अभी तक प्रॉमिस कर रही है ना। और दूसरा आपके वोट से भी पता चला है, अब हैव यू नोटिस्ड कि पहले जो है तीन तीन दफा बनने वाले वजीर आजम थे, ये पहला वजीर आजम होगा जो कि जिसने पाकिस्तान में आज तक कोई पब्लिक ऑफिस ही नहीं रखा। तो अवाम तो इस लेवल तक आ गई है तब्दीली के लिए। अब ये जरूर है कि ये हुकूमत जो है डिलीवर करके दिखाए, और मेरे ख्याल में इनका जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर गुर्बत मुकाओ की बात भी बहुत ज्यादा की जाती थी। देखो ठीक है, एक और कॉल को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? डॉक्टर वहीद बात कर रहा हूँ, कराची से। जी जनाब, हुक्म करें। तो फर्ज साहब को भी बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर हुक्म नहीं अर्ज कर रहा हूँ सर, ये खान साहब के लिए है कि उनको नई हुकूमत मुबारक हो बहुत बहुत, और सत्तान स्टील की तरफ से तमाम वर्करों की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ सर। और सर उमर साहब को भी बहुत बहुत मुबारक हो कि वो वजीर खजाना बनने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा ना करें कि जैसे ही सागदार वो बीमार पड़ा ना उधर जाके, वो ऐसे ही कि तस्तील मिल के मुलाजमों को भारत ना छोड़े सर। सही, चले चले, आपका पै हम पहुंच गया मेरे ख्याल में, उसके बाद वही जवाब देंगे। और मेरे ख्याल में हुकूमतें सबसे अच्छा जवाब जो है वो अपनी पॉलिसीज के जरिए देती है। अगर शहबाज साहब जो हैं वो मुत्तहिदा अपोजिशन लीडर नहीं बनते हैं कौमी असेंबली में, यानी कि उनको वोट नहीं दिया, बन तो वो जाएंगे, उनके पास इस तरह से अक्सरियत नजर आ रही है कि वो अपोजिशन लीडर तो बन जाएंगे कौमी असेंबली में, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी उनको वोट नहीं देती है तो फिर वो अपनी कारकर्दगी, वही वाली बात है कि वो कैसे, या आपको लगता है अपोजिशन लीडर में अब दो कैंडिडेट? मेरे नहीं, मेरे ख्याल में जो सिस्टम है उसके अंदर तो सबसे ज्यादा अददी अक्सरियत रखने वाली पार्टी को इनविटेशन मिलता है कि उनका अपोजिशन लीडर आए, लेकिन उसके अंदर एक और बात है, अगर पीएमएलएन को माइनस करके देखे ना, इतना नंबर बनता है, उसमें से बाकी पार्टियां इकट्ठे होकर एक नॉमिनेट करते हैं तो वो और बात हो जाएगी। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है, मैं जरा बिल्कुल और तरह से सोचता हूँ, तो ये है कि प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट शहबाज शरीफ साहब को रहना चाहिए, उनकी अपनी पार्टी का सवाल है, उनकी पार्टी को डिसिप्लिन दिखाना चाहिए। इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ी स्पेकुलेशन ये हो रही है कि उनकी पार्टी तो उनको वोट ना करे और दूसरी पार्टियां कर दे, ये तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डोर जो है ना दो साइडों से खींच रही है, दो स्टेयरिंग है, एक जेल में ये ओपन होती है, ये हाँ ये ओपन है, हाँ जी, लेकिन बाहर के आप ना आए फिर क्या करेंगे आप? ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि ऑपोजिशन के बारे में मैंने जो देखा है पंजाब के अंदर, हमजा इज बीइंग ग्रूम्ड, वो ऑपोजिशन में भी आ जाता तो ठीक है, लेकिन सेंटर में आई वुड हैव लाइक टू सी अ यंगर पर्सन, और मैंने उसका एग्जांपल आपको पहले भी बिलावल भुट्टो जरदारी की दी थी, काश के जरदारी साहब का ये जो आदत है ना कि वो
स्नूकर खेलना चाहते हैं गोल्फ कोर्स के ऊपर, स्नूकर के ऊपर दीवारें होती है और गोल्फ कोर्स की कुछ दीवारें नहीं होती है, लेकिन वो उसी तरह से खेलते रहते हैं। तो काश के उन्होंने निगोशिएट ये क्या होता कि प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के तौर पे हम आपको सपोर्ट करते हैं, इवन स्पीकर के लिए आपको कर लेते हैं, लेकिन अपोजिशन लीडर के लिए हम अपोजिशन लीडर के लिए हमें वो बिलावल कर लेते हैं। क्योंकि वैसे भी ये कैसा वैसे मैसेज आता है, मैंने आपसे पहले भी ये सवाल किया था जब ये कहा जा रहा था कि यहाँ पे कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर जो है शहबाज साहब होंगे, सूबाई असेंबली में अपोजिशन लीडर जो है पंजाब की उसमें हमजा साहब होंगे, बाप बेटे हैं, फिर बात वही आ जाती है वो जो हमेशा बात कहते हैं कि क्या इनके पास पार्टी में और कोई इनको नजर नहीं आता है, ये सिर्फ बाप और बेटा ही या फिर पहले जो है बड़े भाई थे, मतलब कोई और कैंडिडेट नहीं है, हमें कोई नया कैंडिडेट कोई फ्रेश क्यों नजर आता। मैंने किसी से कहा जी, वो कहते हैं हर सियासतदान किसी का तो बेटा होता है, ठीक है ना, खुर्शीद आजाद के बेटे तो, लेकिन देखिए खुर्शीद शाह साहब का नाम लिया स्पीकर के लिए, मतलब हाँ एक एक नई चीज, एक अलग साहब जो है ना, ये चीज मेरे ख्याल में आपको पता है ये तो मसला है, मसला नहीं नहीं पीपल्स पार्टी का भी एक मसला है, और वो ये है कि जब ऐसे वक्त आते हैं तो उस वक्त जब उनके पास ताकत होती है वो हुकूमत बना सकते हैं, तब वो अच्छे लोगों को बहुत ज्यादा आगे नहीं करते। वो आपको ज्यादा पसंद नहीं, मेरे ख्याल में अगर आप उनसे एक कंपेयर करें, अभी हमने जो चेयरमैन सेनेट की बात की, क्या हुआ उनके बारे में? नहीं 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 बताया ना, नहीं नहीं आपको बुरे लगते होंगे चेयरमैन सेनेट, मुझे बहुत ठीक है, आई मीन दे फतेहतुल्ला बाबर से जो है 100 बातें डिसएग्री करूंगा, मैं हर बात तकरीबन आजकल उनसे डिसएग्री कर रहा हूं, लेकिन उस बंदे की इंटेग्रिटी का को मैं भी मानता हूं। इसी तरह से चेयरमैन सेनेट फॉरवर्ड जो है वो उनकी इंटेग्रिटी पे मैंने कभी भी शक नहीं किया और हमेशा उन्होंने मुझे इंस्पायर किया है बातों से, ठीक है। तो ऐसे लोगों को आप अबैंडन कर देते हैं, शरी साहबा को तो फिर भी जो है ना अपोजिशन लीडर उन्होंने बना दिया, लेकिन द पॉइंट इज के पीपल्स पार्टी हो या पीएमएलएन हो, ये सारे के सारे उन्हीं चीजों को भर रहे हैं जो इन्होंने किया। नहीं, आप कह रहे हैं कि पीएमएलएन जो है वो अपनी फैमिली से बाहर नहीं निकलती है, और पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो वो जब हुकूमत में होते फैमिली हैं, से तो बड़ी स्ट्रांग कैंडिडेट को नहीं लेकर आते, फैमिली से निकला, माफ कीजिए फैमिली से निकला, पंजाब से नहीं निकलती, ठीक है, ठीक है, जीटी रोड से नहीं निकलती, सही सही है, ठीक है, मैं आई अग्री, मैं इसी अग्रीमेंट पे कॉलर को शामिल करते हैं और फिर नेक्स्ट सवाल करूंगी मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात करो, कहाँ से? जिनमें बोल रहा हूँ लोटरा से। जी जनाब, हुक्म कीजिए। फरक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हुक्म कीजिए। अच्छा कैसे, ठीक है, अल्लाह का शुक्र सर। माशाल्लाह हुकूमत तो टिकेगी आगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हुकूमत अच्छी रहेगी, बट ये रांची में एमक्यूएम की जो होगी, क्या उससे हालात बेहतर होंगे या नुकसान साबित होंगे? एमक्यूएम के अलायंस की बात कर रहे हैं आप, इससे रांची में मेरे ख्याल में आपका जवाब देंगे, कॉलर को भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? फरक खान का और डॉक्टर हिरन साहब, सबको सलाम, और जो नया हुकूमत है उस हमारी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए। जी भाई, बात ऐसे है कि जो बोलते थे ये गांधी है ना, गांधी तो इसलिए नहीं है कि हमने 25 साल बाद वोट डाला, वो इसलिए कि जो 40 साल से हम देखते आ रहे हैं कि ये दो चेहरे चल रहे हैं, खुद आपको मालूम है, और ये हर हुकूमत में ये हर इलेक्शन में ये बात होती रहती है कि भाई धांधली हुई धांधली हुई, हारने वाले नहीं मानते ना, तो सिर्फ एक बिलोर ने माना था कि वही जो मैंने जो सीट जो हारा ना, जो मुझे पता लग गया किसी के वालों को इमरान खान बहुत पसंद है और हमें भी उसकी कदर करनी चाहिए, फिर उसने वहां बाकी जो हमारा मौलाना साहब है वो भी बस जीत के पीछे भागते है ना, और दूसरा ये उसका जो सीट था वो भी गया, उसका आज उसका बेटा जी हुआ गया वो भी हार गया। सही है, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में इस पे क्या तबसरा करना, उन्होंने कर दिया। स्पीचेस के हवाले से बात कर लेते हैं, और बात करते हैं खुर्शीद शाह साहब की स्पीच के हवाले से, आज बड़ी खूबसूरत स्पीच की है, और बहुत अच्छे उनका खासा भी हमने देखा कि जब भी वो बात करते हैं बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, और आज उन्होंने कहा कि जमहूरियत के अमल को चलने देंगे, तावुन करेंगे हम कि जमहूरियत का अमल जो है वो चलता रहे, इसके बीच में रोड़े नहीं अटकाए जाएंगे। पीपल्स पार्टी की बहुत कुर्बानियां हैं जमहूरियत के लिए, और वही कुर्बानियां जो हैं वो रंग लेकर आ रही हैं। साथ में उन्होंने ये भी मेंशन किया कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क्यादत में जो है बेहतरीन अपोजिशन का रोल भी निभाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम ले लिया, जरदारी साहब ने वो भी तो साथ ही बाजू में बैठे हुए थे। नहीं, लेकिन अगर आप देखें हाँ। जहां वो बैठे हुए थे वो कमांड कर रहे थे अथॉरिटी पार्टी के बारे में, ठीक है, मैं बिलावल की बात नहीं कर रहा, जरदारी साहब की। और मेरे ख्याल में आज की तकरीर बहुत अच्छी थी, जो भी पार्टी के पुराने कारकुन होंगे, जो भी नजरियाती है, उनको पता है
कि अगर आपने पूरे पाकिस्तान में मैंडेट लेना है, देखिए एक बात मैं बता दूं, कंपेयर करें, ये एक जमाने में पीपल्स पार्टी का हादसा होता था कि आज स्पीकर है पीटीआई का वर्कर है, ठीक है, लेकिन कहां से खैबर पख्तूनख्वा से, जो डिप्टी स्पीकर है वो भी वर्कर है पीटीआई का और पुराना वर्कर है, लेकिन कहां से, बलूचिस्तान से, ये होता था पीपल्स पार्टी का हादसा, ठीक है, और वो खत्म हो गया, पंजाब से आपको बंदा नहीं मिलता, आपको कैंडिडेट नहीं मिलता। और मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी का हर पुराना वर्कर जानता है कि जरदारी साहब को पंजाब में मार्केट नहीं किया जा सकता, इसीलिए इस दफा जब कंपेन हुई बिलावल की, हाँ, तो उसके अंदर मुतरमा की तस्वीर थी, इनकी तस्वीर नहीं थी, और बिलावल आगे बिलावल जारी बात है, बिलावल तो खुद कंपेन कर रहे थे। तो द पॉइंट इज के मेरे ख्याल में ये एक ट्रांजिशन होनी है, लेकिन कब होती है, जरदारी साहब कब तक जो है वो बिलावल दिखा के खुद पावर पे आते हैं, ये बहुत बड़ा मसला है अभी तक। लेकिन पता क्या है, एक चीज मैं जानता हूं, मैं इलेक्शन से एक दिन पहले ये जो पीटीआई और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का वो था, एन 11-12 ईयर ओल्ड इज टेलिंग मी एंड कन्विंसिंग मी वोसिफरसली कि जी आपने पीटीआई को देना है, इसको नहीं देना, और मैंने उसकी पूरी बातें सुनी, ठीक, और मुझे लगा कि देयर वाज समथिंग न्यू आर्गूमेंट वॉज बींग गिवन टू मी, राइट। अगर आप ये जनरेशनल थिंग को मान लें, कम अज कम और कुछ नहीं है कि अगली जनरेशन जब आती है तो उससे क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी या डिबेट या नॉलेज या इन्फॉर्मेशन चेंज होगी। जरदारी साहब के बारे में, उनकी सियासत के बारे में बड़े गिले रहे, मुतरमा के सामने होते थे, ठीक है, बाहर खैर जो कुछ हो गया, जरदारी साहब ने मुशर्रफ साहब के दौर में अपनी पार्टी को बचाया पांच साल मुकम्मल, पहले पांच साल जमहूरी जो नहीं, उससे पहले की बात कर रहा हूँ, वो जो अमीन फहीम साहब थे ना मरहूम, उनके बारे में कहा जाता था कि वो बन जाएंगे हेड और वो फिर उधर चले जाएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। अब जो है अगली जनरेशन नहीं आएगी, और खुर्शीद शाह साहब ने बिल्कुल सही किया, अगर नहीं आएगी और बिलावल नहीं आएंगे या उनकी बहनें नहीं आएंगी, तो फिर जो है जरदारी साहब का जो इम्पैक्ट है वो पंजाब में इरोड कर गया पार्टी को, वो वापस नहीं। बिल्कुल ठीक है, अक्सर हमने देखा है जहां जरदारी साहब को अगर जरा साइड पे भी रखा जाए, पीपल्स पार्टी की बात, तो पीपल्स पार्टी की बात नहीं रखा जा सकता, वो अहम मौजूद है सेंटर में रहेंगे, कमांड द टेंशन, तो वो लेकिन देखा जाए तो पीपल्स पार्टी की तारीफ होती है फरुख, आज हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी पीपल्स पार्टी की तारीफ करे थे, खुर्शीद शाह साहब की तारीफ करे, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से जमहूरी तरीके से खुर्शीद शाह साहब ने अपना रोल प्ले किया है, जिस तरह से आगे लेके चलते रहे, अपोजिशन लीडर रहे थे और जिस तरह से सबके सामने है, फिर एयाज सादिक साहब ने भी उसी तरह से पीपल्स पार्टी की तारीफ भी की और खुर्शीद शाह साहब की भी तारीफ की। उन्होंने कहा मुझे वो वक्त याद है बहुत अच्छी तरह से, जब धरने थे, सारा कुछ था, मुझे जितने लोग हम बैठे में कुछ और भी कहा था, मुझे जो है कहा था कि जाली मैंडेट लेकर बैठा हुआ, लेकिन उस टाइम पीपल्स पार्टी थी, क्रेडिट उनको जाता है जिन्होंने हमारा साथ निभाया। तो जो भी पार्टी अच्छा काम करती है या कहीं पे अपने असूलों पे डटी रहती है या जमहूरियत की हम जब भी बात करते हैं, सबसे पहले जो नाम आए दिन में आता है वो पीपल्स पार्टी का। बिल्कुल सही है, मेरे ख्याल में उससे भी ज्यादा बड़ी बात जो है वो एक सियासत दो किस्म की होगी, एक चापलूसी की सियासत है जहां पे आपने लॉजिक को, तहजीब को एक साइड पे रख के आपने नारे लगाने हैं, बदतमीजी करनी है, नाक तोड़ने हैं, नाक तोड़वा लेने। आपने खुर्शीद शाह साहब की बात की, पांच साल हम यहाँ बैठे रह गए, ठीक है, कोई दिन बताएं जब मैंने उनका गिला किया, नहीं किया, ठीक है, हालांकि बहुत जगहों पे उन्होंने डिसएग्री किया, उनका स्टैंड बहुत ज्यादा सख्त था। इसी तरह से बिलावल, मैंने आज तक मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी उस नौजवान का गिला किया, उसकी वजह ये, दे मेक आवर टास्क इजियर, जो सिविलाइजेशन के कोड को एंडोर्स कर रहा है ना डॉक्टर साहबा, उसको डिफेंड करना या उसको अटैक ना करना बड़ा आसान होता है, ठीक है। जरदारी साहब का अब मसला ये है, और शायद ये थोड़ा सा पता क्या है, एक बात मैं बताऊं, क्राइसिस में आपको पता चलता है कौन बंदा क्या है, ठीक है, उससे पहले नहीं पता चलता। बिल्कुल, जो धरने शरने थे ना उन दिनों में, एक तो मियां नवाज शरीफ है ना, एक मरियम नवाज, मरियम नवाज का नहीं पता चलता था कि शी वॉज एंग्री या समथिंग, जब तक पैनामा पेपर्स की वो तस्वीर नहीं आई जिसमें उनकी तस्वीर थी, बिल्कुल, उसके बाद यू सी अ ट्रांसफॉर्मेशन इन पर्सन कैरेक्टर, ठीक है। यही मामला जो है हमारी बहुत सारी जगहों पे सियासत में है, अगर आप अगर किसी को जो है ना वो ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं तो वो सिर्फ पीटीआई है, क्योंकि इट इज न्यू एंट्रेंट इन पार्लियामेंट, ठीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना पड़ेगा, वरना आपको एक बात बता दूं,
इस वक्त क्या क्या आपको लग रहा है ऐसे, क्योंकि टाइम भी खत्म, क्या आपको लगता है शिवसेना से रियासत साहब ने वाली बात की, उन्होंने कहा कि जी मैं आपको हमेशा बहुत इज्जत से पुकारूंगा असद कैसर साहब, मैं आपको जनाब स्पीकर कहूंगा, मैं कभी आपको ऐसी वैसी कोई बात नहीं करूंगा, बल्कि उन्होंने मजाक में कह दिया कि जिस दिन मैं लड़के आऊंगा तो आपने मुझसे वादा किया हुआ कि आप श्री मजारी साहिबा को बिठाएंगे और मैं फिर वही करूंगा जो मेरे साथ, मतलब आपको कैमरा कटा और श्री मजारी साहब लाफिंग। एक बात ये हम लोग यहाँ पे बैठ के एक दूसरे, आपको लगा जमहूरियत का हुस्न, जमहूरियत ऐसी होती है अपोजिशन है तनकीद करें जरूर इस्लाह करें, जो बात आपको गलत लगती है हुकूमत की काम ही आपका ये भी करें, लेकिन इसी तरह से इज्जत में रह के मतलब जरा हदूद में रह के आराम से बात करके भी आप नहीं पहुंचा सकते। मेरे ख्याल में अगर हम इत्तका के प्रोसेस से गुजरते रहते हैं तो हम तहजीब के उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां पे हम कह रहे हैं जमहूरियत का जो अमल है वो चलना चाहिए। थैंक यू सो मच फारूक नाज़िर, उम्मीद आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, अब आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम ऑन सेम चैनल, तब तक रखिएगा बहुत सा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।